पड़ोसी के घर में खेल रहे 2.5 साल के मासूम की सर्पदंश से मौत हो गई। घटना गरियाबंद के समीप कोचवाय गांव की है, जहां पड़ोसी के घर के पीछे बाड़ी में खेल रहे 4 बच्चों में से एक को जहरीले गौवा सांप ने डस लिया। सांप ने बच्चे के पैर में डसा, इसके बाद भी बच्चे को इसकी गंभीरता मालूम नहीं होने के चलते वह आधे घंटे तक दूसरे बच्चों के साथ खेलता रहा। जब जहर चढ़ने लगा तो पैर नीला पड़ने लग गया। वह रोता हुआ बच्चा अपने घर पर पहुंचा और माँ की गोद में बेहोश हो गया। परिजनों ने जब शरीर में यहाँ वहाँ देखा तो पैर में 2 डंक के निशान थे। जहाँ परिजन बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, वह पड़ोसियों ने एकत्र होकर बाड़ी में उस सांप को ढूंढ निकाला, एक बोरे में सांप को बंद कर दिया। वहीं जिला चिकित्सा पहुँचते ही बच्चे की मौत हो गई। इस बीच में बच्चे के साथ खेल रहे बाकी 4 बच्चों में भी दहशत में आ गए। बच्चे के नाम रोशन करायत था। वहीं बच्चे को लेकर पहुंचे उसकी दादा कन्हैया राम करायत का कहना है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह हंसते खेलते बच्चा चंद मिनटों में ही जहरीले जीव के चलते हमारे बीच नहीं रहेगा। बाबा का हो गया लेकर ला? हाँ, अपन संगाली चंद में खेला थी से। हाँ, बाड़ी तरफ। हाँ, लकड़ी में चार्ज नहीं से सांप है का, तो सांप है फिर निकल का जिस लेकर है ये नहीं जानी इसकी। हाँ, सांप का जिस कहीं को खेलते रही से कीड़ा ऐसा मीच है फिर खेलते खेला तो 20-25 मिनट तक वो खेल है लेकर है फिर खेले बाद में जब बिहार कहीं चढ़ी से नहीं गई बगरी। हाँ, फिर तब लेकर है पड़ोसी घर ले और वक्त घर में से। हाँ, फिर तो घर में आप आदमी देखे ना कैसे रोगा थे कैसे रोगा थे कहिए फिर जल्दी रोते रोगा तो वहाँ बेहस हो गए। अभी अभी कहाँ है लड़का कैसे है? अभी लड़का है कभी बेहोश हालत नहीं बता रहे हैं। बेहोश है ठीक है ऐसे हाँ नहीं खत्म हो गया। अच्छा, और सांप है? सांप ला बाद में पकड़ के रखे होंगे। कौन मन गाँव वाला? हाँ, तो कहाँ सांप एक वो सांप है ऐसे गौहा बता नहीं सर।